दिख रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है, ये हमने अब न, दिख रहा है सबको? मतलब जूम करूं या ठीक है? देख रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम एक देख मार्कशीट टाइप की बनाते। हाँ बोलो। रहा है भैया। ठीक थोड़ा जूम कर है, ले, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं दिखेंगे, थोड़ा जूम कर ले। ठीक है, चलो ग्रेड बुक बनाते हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ जूम। दिख रहा है आप? दिख हाँ भैया दिख ठीक रहा है, है। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेम से सबसे पहले। ठीक है, आप लोग अपने नाम डालने हैं या कुछ भी डालें? अपने नाम डालने का मैंने अलाउड अपने मार्क्स, अगर आप लोगों को कोई याद है अपने कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसी कुछ भी कर लेते हैं। मतलब अगर आप लोगों को वैसा करने का मन है, अगर मतलब मार्क्स अपने वगैरह डाल नहीं भैया, बताने हैं ऐसे कुछ, तो अपना डालें। डाल ठीक है देते भैया, बताओ। मेरा डाल दो यार, ठीक है, मेरे मार्क्स कम आते थे इस बार ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप बताओ फिर सारे अपना नाम एक बार पूरा फिर से, या फिर चलो मैं डाल देता हूँ। यूसुफ हो गया, हो गया आशीष, कृष्णा माइक म्यूट करना। कृष्णा और शिवम। ठीक है, चलो यहाँ पे अब सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, पहले हो गया मैथमेटिक्स। देखो पिछली बार वैसे क्या कहते हैं, मैंने ये एक्सटेंड कॉलम एक्सटेंड करने का बताया था, लेकिन ये एक और चीज है, जैसे हम लोग चाहें तो इसको क्या कहते हैं, हाँ जैसे ये हाँ ये ए बी वाला आ रहा है ना, जैसे ये दिख रहा है, तो अगर हम इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर देते हैं, ये हम कर सकते हैं। जैसे इससे थोड़ा अगर ऐसा कुछ बनाना है तो ये ऐसे शायद अच्छा दिख रहा है, और तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो बता रहा था मतलब जैसे भी अच्छा लगे, अगर सीधा ही रखना है और एक्सटेंड करना है वो मर्जी है, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ अपने पहले एक बार मैक्सिमम मार्क्स कर लेते हैं। कितना रखे? 100 का रख लेते हैं। सॉरी 1 सेकंड। ठीक है, अभी अपने आप हो रहा है, ये ठीक दिख रहा है, ये समझ आया अभी क्या किया? दो हाँ भैया, साथ कर दिया तो तीसरा अपने आप होने लग गया। हाँ, और ये करना का मतलब समझ आया कि ये बस बना रहे हैं तो ऐसे दिखने में थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है, मतलब जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे, बस एक फीचर है तो बता दिया कि ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्या भैया, यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ पे और भी तरीके हैं, नीचे भी कर सकते हो, मतलब अपने आप सारे ट्राई करके जब बैठोगे तो ट्राई कर सकते हो, हर में अलग अलग कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये होम है में भैया, यहाँ पे जाके ए बी जहाँ पे लिखा होगा वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब मार्क्स में सबके अलग अलग कर रहा हूँ, क्योंकि उससे भी एक चीज़ वो शायद सिखा सकते हैं बाद में। साइंस का आप लोगों का कितने का होता है? प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते होंगे ना, तो जो थ्योरी का होता होगा वो अलग होता होगा, तो कितने का होता है बताओ? 100। 100 का? यार मैथ्स का भी 100 का कर रहे हैं ना, कुछ एक बाद में एक चीज सिखा सकते हैं इससे, इसलिए कुछ अलग मार्क्स का कर रहा हूँ एक बार। मैथ्स में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है भैया, मैथ्स में नहीं होता ना, तो उसका मैंने पूरा 100 कर दिया। साइंस का अगर प्रैक्टिकल हटा दे तो कितने का होता है? 500 भैया, 500। हाँ बोलो बोलो।
सानिया भी ज्वाइन हो गई, वो ग्रुप दूसरे वाले में। अच्छा अब हट गई, हट गई वो। ठीक है ठीक है, चलो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये सब बताओ, मैथ्स में कितने आए थे आपके भैया पिछले साल का? हाँ कभी कभी बता दो। आप लोग सारे एक ही क्लास में हो? हाँ नहीं हाँ सब तो सेम स्कूल भैया। एटी में ऐसे एटी में साथ है सेवन सेवन सेवेंटी टू सेवेंटी टू एटी में से सेवेंटी टू आए थे। हाँ ठीक है, तो मैं 92 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो मुस्तक आपके कितने आए थे? पूरे पूरे भैया। हाँ वही मुस्तक आपके कितने आए थे बताओ। मुस्तक कोई डांटेगा नहीं यार, कमाने पे बता दो। ठीक है ऐसे ही कर देता हूँ। ऑटोफिल भी बता दियो। क्या ऑटोफिल? ऑटोफिल पिछली बार ऐसे बता दिया था, मतलब सब में 92 डालना, वही कह रहे हो ना? या सीरीज भी बन जाती है ना? सीरीज मतलब कि जो फॉर्मूला डाला उस हिसाब से कर दिया। हाँ वो करा 92 है तो ड्रैग करेगा तो 93-94 कुछ सीरीज भी बन जाती है। अगर सीरियल नंबर करना है किसी को वो कैसे करना होता है? बस ड्रैग कर इसको 92 को, वो तो फिर सारे 92 नेक्स्ट में करी कर। अब उस पे जा जो राइट हैंड पे आ रहा है ना, हाँ इसमें कर दे फिल सीरीज। ठीक है ठीक है ठीक। तो ये अपने आप थोड़े मैं ऐसी कम ज्यादा डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा मतलब वेरिड बन सके कुछ, आप लोगों से नहीं कर रहा वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है है। अब हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब इससे एक तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज एक हर एक सब्जेक्ट की करनी है कि पूरे टोटल करने का? मैंने टोटल भैया टोटल का। ठीक है तो अब हमने यहाँ पे परसेंटेज लिखा। ठीक है अब आप लोग बताओ पिछली बार से कुछ सोच सकते हो कि कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे? परसेंट लिखे नहीं, परसेंट अपने आप ऐसे नहीं होगा कुछ अपने। वैसे बताओ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो अपनी? फॉर्मूला बताओ परसेंटेज का। मार्क्स ऑब्टेन अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। बहुत बढ़िया। तो ये एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम लोग टोटल मार्क्स आप लोगों के वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है टोटल मार्क्स मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल थे। ठीक है टोटल मार्क्स और आप लोगों के मिला के सब में कितने आए? ठीक है किया। अब वैसे आप लोग ले सकते थे कितने हो गए 260 और 340। ठीक है 340 कर दिया। अब इसमें अब मैं बताओ कैसे करूंगा, मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अगर मुझे यूसुफ के सारे मार्क्स सब मतलब मिलाने हैं तो क्या करूंगा मैं बताओ?
पिछली बार करवाया था ना, हाँ, इक्वल टू सम सम और ये फॉर ये फोर वाली लाइन थी चारों को भी ऐड कर देंगे आप। हाँ ये सॉरी एक सेकंड गलत हो गया, तो फिर आंसर आ जाए यार एक सेकंड किया फिर ब्रैकेट ओपन किया, अब मैंने ये कर दिया एंटर हो गया ठीक है सम आ गया। अब मैंने यही पूरी चीज को नीचे एक्सपेंड कर दिया, हाँ तो ये सब क्या आ गए टोटल मार्क्स ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ठीक है। अब बताओ परसेंटेज यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना है भैया, ये जो वाली लाइन है ना मतलब एच वाली लाइन है एच फोर से पूरा एच नाइन तक डिवाइड कर देंगे 340 से, पूरा सम करके कह रहे हो मल्टीप्लाई बाय नहीं एच फोर से एच नाइन को आप कह रहे हो सम कर देंगे फिर 340 से डिवाइड करेंगे, नहीं 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 पहले एक को करेंगे। हाँ एक को करेंगे तो बताओ मैं क्या लिखूं अभी यहाँ पे, अभी मैं क्या लिखूं सबसे पहले H4, हाँ, ये वाला एच फोर हाँ ठीक है डिवाइड फोर डिवाइड के लिए ये वाला होता है ठीक है, ये समझते हो ना डिवाइड H3 का? एच थ्री नहीं है एच टू है ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया हमने एच टू मल्टीप्लाई। अब ये एक और तरीका है जैसे अब अगर हमने ये सीधा एंटर किया तो 0.7616 आया, ये परसेंटेज नहीं है एग्जैक्टली, ये पहले एक बार सबके लिए कर दिया ठीक है ये फॉर्मूला हमने, अब देखना इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। देखो ये देखो ये अब क्यों आ रहा है, देखो जैसे मैंने बताया था ना कि डबल क्लिक किया तो ये फॉर्मूला आ गया जी एच फोर डिवाइडेड बाई एच टू किया था, अब यहाँ पे ये दिक्कत क्यों आ रही है तो ये देखो जैसे ये अब मैंने स्पेस कम नहीं पड़ रहा, स्पेस के लिए फिर वो बहुत सारे हैशेस आते हैं, ये वो वाली दिक्कत नहीं, ये डिवीजन बाय जीरो लिखा है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते ऐसा हाँ। कुछ पढ़ा हुआ है अभी तक मैथ्स में नहीं, जीरो से डिवाइड इसलिए आप लोग डिवीजन का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम फोर को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है ना कि टू को कितनी बार लेंगे कि फोर आएगा, उस तरीके से समझ सकते हो। तो अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका ये मतलब कि जीरो को कितनी बार लेके वो नंबर आएगा, जैसे फाइव डिवाइड बाय जीरो किया तो जीरो को कितनी बार लेके फाइव आएगा। हाँ हाँ बोलो, ये डिवाइड ही नहीं होगा। हाँ डिवाइड नहीं होगा ना, मतलब जीरो से कुछ भी चीज डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब उसका कोई मतलब नहीं है ठीक है। तो ये अब गलत इसलिए आ रहा है जैसे अब मैंने डबल क्लिक किया, ये अब क्या कर रहा है जैसे यहाँ पे जब मैंने एच फोर डिवाइड बाई एच टू किया तो ये दो ऊपर जाके वाले से डिवाइड कर रहा है, तो मैंने जैसे यहाँ किया ये एच फाइव डिवाइड बाई एच थ्री कर रहा है, तो ये अगर हमारे को ठीक करना है तो हम अपने फॉर्मूले में गए और यहाँ पे जैसे अब अगर मेरे को ये टू वाला जो है इसको फिक्स करना है तो मैंने इसको क्या कहते हैं ये आपके फोर के ऊपर आता है डॉलर साइन, ये अगर आपने लगा दिया तो ये चीज अब फिक्स हो जाएगी कि हर नंबर को जो है उसको 340 से ही डिवाइड करना है और किसी से डिवाइड नहीं करना है। तो ये चीज अब अगर हमने कर दी और फिर अब एक्सटेंड कर देते हैं इस चीज पे, अब देखो ठीक हो गया ठीक है। अब अगर मेरे को इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे इनबिल्ट वैसे ही है जैसे कि हमने परसेंट किया अपने आप परसेंट में बदल गया, मल्टीप्लाई 100 सही है लेकिन फिर वो परसेंट साइन आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, ये इसने अपने आप परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, नाम भी लिख दिया 100 से मतलब परसेंट भी कर दिया और सिंबल भी डाल दिया और 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ठीक है। तो ये डॉलर वाले साइन का मतलब समझ आ गया, ये यूज होता है मतलब ये काफी जगह हो सकता है आपको कभी ना कभी यूज करना पड़े जब आपको फिक्स करना है किसी चीज को ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, एक अभी इसका चार्ट बनाएंगे, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मतलब ये तो अब मैंने पिछली बार भी जैसे बताया था हमने बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कभी बहुत ज्यादा लोगों के लिए कर रहे हो, या जैसे इस डेटा सेट में एकदम से देख के नहीं समझ आ रहा अगर हमारे को इसमें कुछ निकालना है, जैसे किसके 50 से किसी में भी कम है या 40 से कुछ कम है या 30 जो भी फेल का जो भी होता है, अगर कुछ ऐसे निकालना है हमारे को, तो अगर हमने इस पूरी चीज को क्या कहते हैं ये अभी
की कॉलम होता है, ठीक से चलो मैं दिखा देता हूँ। वैसे जैसे अगर मैंने ये वाला आप कॉलम सेलेक्ट किया, एक सेकंड सॉरी अंडू कर दे अंडू। हाँ वो फिल सीरीज कर देता हूँ। अरे वो उसके 108% हो गए। कहाँ? अच्छा 108 हो गए। हाँ चल ठीक है कुछ नहीं होता। ये भी समझ आ रहा है? ये देखो जैसे ये पिछली बार शायद हमने नहीं किया था, अब हमने यहाँ पे चेंज किया तो ये अपने आप चेंज हो गया, हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपके जैसे यूसुफ के 368 हो गए 3, तो 108 सही आ रहा है। मतलब जो हमने गलती से चेंज कर दिया था वो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज चेंज हो गई है, मतलब हमारे को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है एक सेकेंड में एक और चीज दिखा रहा था। हाँ ठीक है ये अब मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मेरे को इसमें जैसे एक सेकेंड फॉर्मेटिंग करनी है, हाँ जैसे यहीं पे क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, हमारे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जिसके सबसे सब कम आए हैं। जैसे अब अगर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या आइकन सेट्स होते हैं, ये मैंने अगर लगा दिए तो जैसे ग्रीन जिसके सबसे ज्यादा आए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे हैं आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे अब इसने खुद ही देख लिया कि किसके सबसे ज्यादा आए थे किसके सबसे कम आए थे। जैसे 96 95 वालों को ग्रीन दे दिया सबसे ज्यादा है, ऐसे ही 92 वाले को ब्लैक दे दिया 90, मतलब दिख रहा है ना कैसे। तो ये और ऐसे ही यूज कर सकते हो आप इस चीज के लिए भी। ऐसे एक और मैं ढूंढ रहा था, एक सेकंड मेरे को याद आ रहा है। ये एक वो रेड कलर, वो एक मतलब जो करने के लिए होता है ना कुछ वो हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा। हाँ नहीं ऊपर वाले सेल रूल्स। हाँ ग्रेट ग्रेट कौन सा? हाँ यही वाला ना, ग्रेटर देन लेस देन वाला, इक्वल टू या लेस देन जो भी तेरे को लगाना है वो वाला। ठीक है तो अब हमने जैसे इसमें हमारे को 95 से ऊपर वाले सपोज देखने हैं, तो हमने ग्रेटर देन 90 जैसे यहाँ पे अभी आ गया तो हमने ग्रेटर देन 95 कर दिया और कर दिया। ठीक है तो और फिर ये बहुत तरीकों से हम उसको फिल कर सकते हैं, येलो ग्रीन राइट रेड ये सारे तरीकों से हम मतलब हमने जैसे लाइट रेड कर दिया ओके कर दिया इसने हमारे को बता दिया। ये अभी हमारे को इतना फायदा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत छोटा है, हमारे को पता चल रहा है किसके 95 से ज्यादा है, लेकिन कभी हमारे को इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अभी मेरे से पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो जैसे हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं कि कितनों के 50 से किसी में कम आए या ऐसे कुछ, तो ताकि हम कुछ वीकनेस जैसे किसी स्कूल को करना है तो वो देख सकता है कि पूरे में किसके किसी सब्जेक्ट में 50 से कम आए हैं या किसी से भी कम आए हैं, तो वो एक्सेल के हेल्प से ये चीज कर सकता है। अभी मेरे से वो पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, वो अभी एक सेकेंड एक बार ये चार्ट बना के देखते हैं। ठीक है सब मार्क्स का, ठीक है तो ये मैंने ये वाला डेटा सेट सपोज मैंने सिलेक्ट किया, एक सेकेंड डेटा मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं गया इंसर्ट पे, ठीक है यहाँ पे चार्ट्स के ये देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत तरीके के आप इससे चार्ट बना सकते हो। आप लोगों ने वो सब पढ़ा होगा ना, क्या कहते हैं बार ग्राफ वगैरह कुछ, कॉलम चार्ट जैसे इसमें कॉलम चार्ट के नाम से है। ठीक है दिख रहा है ये सबको, चार्ट पढ़े हुए हैं सबने, ग्राफ्स वगैरह चार्ट। हाँ भैया। तो ये मैंने जैसे मैथ्स के मार्क्स आप लोगों का एक चार्ट ये वाला बना दिया। ठीक है अब जैसे मैंने इसका टाइटल डाल दिया आपके, ठीक है अब ये 1 2 3 वगैरह लिखा हुआ है, ये अगर हमारे को चेंज करना है तो हम सिलेक्ट डेटा किया, ठीक है ये एडिट पे गए, फिर उसके बाद हम लोग ये आप लोगों के नाम सिलेक्ट कर लिए जैसे, ठीक है तो ओके कर दिया। अब देखो समझ आया ये अभी क्या किया, देखा सबने चार्ट दिख रहा है सबको? कुछ आया ना बोल दो। समझ आया जो चार्ट बनाया अभी या कुछ मिस हो गया?
बता दो फिर, मतलब फिर ऐसे छूट जाएगा। आ गया भैया। आ गया भैया दोबारा से नेम ठीक है। सिलेक्ट करना। हाँ मैं बताता हूँ एक, हाँ जा रहा हूँ। क्या करूँ फिर से, क्या बोल रहे हो आशीष? भैया मैंने कहा कि नेम सिलेक्ट करना एक बार फिर से। नेक्स्ट स्लाइड क्या नेम होता नेम है? चेंज किया नेम्स। ना। अच्छा नेम, ये देखो डबल क्लिक किया इस पे, ये वाला, ये नीचे वाले नाम कह रहे हो ये, यस भैया। या ये वाला नाम नीचे वाले? देखो इस पे जैसे गए चार्ट पे, जनरल क्या कहते हैं, एक चार्ट पे गए, ये देखो ये जैसे सिलेक्ट हो गया ना ये पार्ट, अब इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया या राइट क्लिक किया मतलब, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें मैंने सिलेक्ट डेटा किया, मतलब हमारे कोई डेटा जो यहाँ डालना है वो हमें खुद सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट डेटा किया। उसके बाद अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ना, ये जो ये वाली जिसपे हम लोग नाम डाल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेस है, तो उस पे अब हमने ये एडिट कर दिया। अब एडिट में हम लोग कहीं से भी जो भी हमारे को सिलेक्ट करना है नीचे के लिए, अभी हमने ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अगर हम चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम नीचे डाल सकते हैं, मतलब जो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आ जाए। जैसे जैसे अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाली पूरी चीज सिलेक्ट कर ली, जैसे अब मैं करता हूँ, अगर ये कर दिया, ये हो गया कि 92 के कॉरिस्पॉन्डिंग इधर जो 92 है उसके इधर ये वाला भी 92 है, इधर जो 65 है उसके साथ इधर वाला 93 है, इस तरीके से हमने कर दिया। तो अगर जिस भी तरीके से आपको चेंज करने का मन करे वो कर सकते हो, समझ गए? यस भैया। ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं, सब सबका साइंस का भी बना लेते हैं चार्ट कोई और। एक सेकंड, अभी आप लोग कोई और चार्ट समझते हो या अभी बायोग्राफ वगैरह ही समझ आता है, मतलब जो नहीं मेन ये वो हर पानी आते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट इसका कैसे बनेगा? बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, हाँ ये हिस्टोग्राम पाई चार्ट, अब अगर मैं इसका ये पाई चार्ट कैसे बना रहे इसका, एक सैंपल डेटा है वो थोड़ा बड़ा है, उस पे कर लेते हैं, सही ठीक रहेगा। है तो मैं कर दूँ सब? हाँ मैं करता हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिख रही हो तो बताना। दिख रही है? अच्छा, तो यार पहले ये करने के लिए पहले ना बता दो, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना है, सबको क्लियर है अभी तक जो करा है, जो करवाया अभी सिद्धार्थ ने? पक्का? हाँ भैया क्लियर है। चलो अच्छा, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा डेटा है, देख रहे हो, इसमें थोड़ी ज्यादा वैल्यूज हैं, तो अब हम जो जो भी हमने अभी सीखा है ना, जो भी सिद्धार्थ भैया ने करवाया है, उसमें देखते हैं कि मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, रेडी हो, गेम खेलें? बोलो भाई। ओके भैया, भैया ठीक है भाई। अच्छा तो पहले थोड़ा मैं आपको डेटा का बता देता हूँ। अच्छा आप मान लो कि आपकी ना एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है। स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। अब जब तुम कोई भी सामान बेचते हो तो मान लो तुम क्या कर रहे हो कि तुम उसको ना तुम नोट कर रहे हो कि मैंने कौन से जगह पे कौन सा सामान बेचा, ठीक है। तो तुमने क्या करा कि तुमने एक डेट बना ली कि मेरी डेट कौन सी है, कौन सी डेट को मैंने सामान भेजा, ठीक है। और तुमने एक वो बना लिया, एक मान लो ये मैं इसको सिटी कर देता हूँ, ठीक है, कि तुमने किस शहर में सामान बेचा और तुमने किसको सामान बेचा, ठीक है, और तुमने क्या बेचा और कितनी बेची और उस एक की क्या कॉस्ट थी। तो तुम्हारे पास ये डेटा तुमने बना लिया, मान लो 1 महीने का बना लिया तुमने या 10 दिन का बना लिया। ये समझ आया डेटा, मैंने क्या बनाया डेटा, ठीक हाँ यस भैया। है।
अच्छा रो और कॉलम का मतलब समझते हो? बताओ इसमें से मेरे पास कॉलम कौन, कितने कॉलम्स है मेरे पास? एक कितने? भैया पूरे की बात कर रहे हो क्या? मतलब हाँ हाँ पूरे डेटा में अगर मैं बोलूं इंफिनिटी कि मेरे पास कॉलम कितने हैं तो कितने कॉलम है मेरे पास? बहुत। नहीं मतलब जब मैं बोलूं ना कि कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब है कि उतने तुम्हारे पास कितने कॉलम्स हैं जिसमें तुम्हारे पास डेटा है। तो अच्छा बताओ ये तुम्हारा कॉलम होता है या ये अच्छा भैया तुम्हारा भरे हुए, होता है? हाँ भरे भरे हुए हाँ छे भरे हुए कितने कॉलम है? छे 6। ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है बढ़िया। ठीक है और रोज कितनी है? मान लो अगर मेरे को देखना हो कि मेरे डेटा में कितनी वैल्यूज हैं, कितना डेटा है, मैं कैसे देखूंगा? मैं नीचे गया तो मेरे को पता लगेगा कि 44 हाँ बिल्कुल, 44 तो मेरे पास हाँ तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास 44 लाइंस हैं या फिर मेरे पास 44 रोज हैं और मेरे पास 6 कॉलम है ना? ठीक है तो अब ये बताओ कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि हर दिन पे मेरी कितनी बिक्री हुई या फिर ये हर लाइन के लिए कितनी बिक्री हुई, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? कौन बताएगा? या मान लो मैंने यहाँ पे टोटल लिखने की, मेरी टोटल कितनी थी दिन की, तो मान लो अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरे इस दिन की कितनी बिक्री हुई, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कोई आइडिया किसी को? एक दिन की भैया। हाँ मतलब ये एक दिन है ना तेरा? भैया डेट तो अलग अलग है सबमें, तो एक दिन हाँ में तो पहली वाली रोज हो जाएगी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसका। तेरे पास ये है कि तूने दिन में कितनी चीजें बेची, तूने कितनी पेंसिल्स बेची, तूने 95 पेंसिल बेची हैं उस दिन में और एक पेंसिल तेरी ये 2 रुपए की है, तो तेरा टोटल कितना आएगा? मतलब मैं कैसे लगाऊंगा फॉर्मूला वो? हाँ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ठीक है एफ टू ठीक है। F2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई E2। ई टू ठीक है बस एंटर कर दूं भैया डी के बाद दो दो बार एफ दिख रहे उसमें। किसके बाद? ये एबीसीडी वाली कॉलम है ना, डी के हाँ बाद एफ दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं ई है वो। वैसे सही बोला तूने, बहुत बढ़िया, यही होगा कि मैंने जितनी बेची और एक की क्या कॉस्ट थी, मैं अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगी। अब मेरे को अगर सबके लिए कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा यूसुफ? सबके लिए ऐड मैं अलग ही। कर ठीक है बहुत बढ़िया, जो जहां तक मेरा डेटा है मैं वहां तक इसको ड्रैग कर दूंगा। आ गया तो मेरे आ पास गया। टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है कि मैंने उस दिन में हर दिन के लिए जो भी मेरे पास था मैंने कितना बिक्री करी है। ठीक है अब मान ले मेरे को, अब इसमें मेरे को देखना है कि मेरी आज तक कितनी बिक्री हुई है, तो कैसे करेंगे? मुझे देखना है कि ये जितना भी डेटा है ना, तो मेरे को टोटल निकालना है कि मेरी टोटल कितनी बिक्री हुई थी इन जितने भी है 43 डेज हैं जितने भी, तब क्या करूंगा मैं? भैया इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है बहुत बढ़िया। मान लो मैं नीचे एक टोटल बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सम निकालूंगा कि मेरे पास टोटल टिल डेट कितना है। ठीक है अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? इक्वल इज इक्वल टू सम, टू सम और ब्रैकेट डाल के सबको वो बहुत बढ़िया प्लस कर देना है, बहुत बढ़िया। पूरी रो ठीक सिलेक्ट है कर लेनी है। हाँ ठीक है, तो ये तुम देख रहे हो, मैं इसको चलो यहां ले जाता हूँ। तो नाइनटीन तुम्हें थाउजेंड तो थोड़ा बताता हूँ होता क्या है कि मान लो तुम्हारी दुकान है, अब तुम्हें ऐसे तो ये
44 दिन है ना, मान लो तुम्हें अगर देखना होता कि मेरे हर साल की क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब समझते हो, रिपोर्ट क्या होती है, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आता है ना जिसमें तुम्हारे मार्क्स लिखे होते हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस लिखी होती है, तो भैया क्या होता है कि हम हर दुकान के लिए या हर कंपनी की भी तो परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी कि तुम्हारी दुकान कैसा काम कर रही है, क्या तुम्हारी दुकान घाटे में तो नहीं जा रही है, कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम कितना पैसा लगा रहे हो। अब ये सब पहले मैनुअली होता था, या फिर मान लो अभी तो अगर तुम्हारा बहुत बड़ा कोई बिजनेस है या बहुत बड़ी तुम्हारी कंपनी है, और ये तो अभी 44 दिन है, अगर मान लो तुम्हारी 5 साल से कंपनी चल रही है और हर दिन तुम्हारे पास डेटा आ रहा है, तो देख लो तुम्हारे पास कितना डेटा हो गया, तो उसमें से फिर तुम्हें मैनुअली तो तुम नहीं कर पाओगे, या फिर भैया एवरेज निकाल, एवरेज निकाल। हाँ एवरेज भी निकाल सकते हो, बट तुम किसकी एवरेज निकालोगे? एक दिन में कितना होता? एक दिन में कितना हुआ? हाँ उसको 360 या 356 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 356 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता? पिछली बार कराया था याद है, एवरेज पिछली बार करा था ना हम लोगों ने। बताओ एवरेज का क्या फॉर्मूला होता? भैया उन सब का सम डिवाइड ठीक है। में फोर्टी 44, फोर या 43? जितने भी है उससे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं परसेंटेज थोड़ी निकालनी है हमको। टोटल अकाउंट में अमाउंट, नंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तुम्हारी एवरेज आ गई कि तुमने हर दिन इन 44 दिनों में तुमने हर दिन एवरेज 456 रुपीज की तुमने सेल करी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी, या फिर हम ये जो हम एक्सेल पढ़ रहे हैं या फिर हम जो एक्सेल सीख रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है या मेन मोटिव क्या होता है, कि तुम्हारे पास डेटा है, मान लो ये तो भी तुम्हारे पास 44 रोज है, मान लो तुम्हारे पास लाखों में, कभी कभी लाखों में भी रोज होती है, लाखों में भी डेटा होता है, अगर तुम्हारी एक कंपनी है हर शहर में है तो देख लो उसका कितना डेटा होगा, तो अब उसमें तुम खुद जा जाके तो ढूंढ नहीं सकते कि तुम्हारी कितनी सेल हुई है, तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सेल यूज करते हैं ताकि हम आराम से और बहुत इजीली ये सब चीजें कैलकुलेट कर पाएं, कि ताकि मेरे को अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, या अगर मेरे को देखना है मेरी कंपनी क्या कर रही है, मतलब ये एक तरह का एक यूज केस है कि तुम इसके लिए यूज कर सकते हो, और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ हर कंपनी में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई डाउट? आगे करें? हाँ भैया आगे करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिल्टर होता है, फिल्टर कराया था इनको संडे को? नहीं, अच्छा, तो फिल्टर क्या होता है? अब फिल्टर का असली मतलब क्या होता है कि तुमने कुछ चीजें छाटनी है ना, फिल्टर को हम वही बोलते हैं ना, कि तुम पानी फिल्टर करते हो, तो मतलब तुम पानी में से कुछ चीजें निकाल के पानी छाट लेते हो। तो मान ले अगर मेरे को, जैसे ये मेरे पास ये सारी सिटीज हैं है ना, ईस्ट करके एक, मतलब मान लो इमेजिन कर लो कि ईस्ट सिटी है, सेंट्रल सिटी है, वेस्ट है ना, ये सारी मेरे पास सिटीज हैं। अब मेरे को सिर्फ इनमें से वो वाला डेटा लेना है जहां पे सिर्फ कंट्री सिटी ईस्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे को एक नई शीट बनानी है जिसमें मेरे को सिर्फ मेरे को ईस्ट का एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि मेरे को भाई ईस्ट का डेटा दे दे सारे शहरों में से, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आइडिया? कॉपी पेस्ट तो पढ़ा है ना तुमने? भैया पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलम?
सिटी वाला। चलो कर लिया आगे। अब फिल्टर में ईस्ट करेंगे। फिल्टर कहाँ से चलो फिल्टर भी लगा लेते हैं। अब क्या करना है? ई सिलेक्ट करना है। हो गया तुम्हारा ईस्ट का डेटा आ गया। सिर्फ ईस्ट यस ईस्ट का भैया डेटा आ गया। फिर आ मैंने गया। कॉपी करा और मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया तो मेरे पास ईस्ट की रिपोर्ट आ गई कि ये मेरी भाई ईस्ट की रिपोर्ट है ना। तो हाँ ये होता है फिल्टर कि तुमको अगर कोई भी तरह का फिल्टर लगाना है या तुम्हें पूरे डेटा में से कुछ पार्ट ऑफ डेटा या कुछ सबसेट ऑफ डेटा लेना है तो मैं वो फिल्टर लगा के उसको ले सकता हूँ। अब ये तो तुमने सिटी पे लगाया, तुम हर तरह का लगा सकते हो कि तुम्हें नाम देखना है आदमी का कि किस नाम के आदमी का डेटा चाहिए तुमको। जैसे मान लो तुम्हें सिर्फ गिल का डेटा चाहिए तो तुमने गिल को लगाया और तुमको गिल का डेटा आ गया। तुम्हें एक से ज्यादा का चाहिए, गिल और पेरेंट का चाहिए, जोन्स का चाहिए, तुमने तीनों को सिलेक्ट करा और वो डेटा आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक फिल्टर होता है। और भी तरह के फिल्टर होते हैं, जैसे मान लो तुमको सिर्फ उन्हीं दिनों का डेटा चाहिए जिसमें जो सेल वैल्यू हुई है वो 100 से ज्यादा हुई है या 500 से ज्यादा हुई है, तो वो फिल्टर बताओ कैसे लगेगा। Above 500। हाँ फिल्टर पे जाके Above 500 करके। बहुत बढ़िया, तो हम नंबर फिल्टर्स में जाएंगे। ये नंबर फिल्टर्स देख रहे हो, हाँ भैया तो नंबर फिल्टर में जाके हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम मैं वैल्यू दे देता हूँ चलो 300, कि मेरा अगर टोटल की वैल्यू 300 से ज्यादा है तो मेरे को फिल्टर करके दे दे। तो देख रहे हो तुम्हारे पास 300 से ज्यादा वाली सारी वैल्यूज आ गई। तो ऐसे करके तुम किसी भी तरह के फिल्टर्स लगा सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो तुम्हारे फिल्टर्स होते हैं ना ये बहुत काम आते हैं और ये बहुत यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक किसी को दिक्कत? चलो है। नहीं बढ़िया। भैया तो सॉर्टिंग 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 पता क्या होती है? सॉर्ट कैसे करते हैं या सॉर्ट क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? अच्छा, लो भैया तो सॉर्ट करना क्या होता है कि जैसे अभी ये डेटा तुम्हारा जैसे देख रहे हो 190 है, फिर 999 है, 179 है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पता है क्या होता है? यस यस भैया भैया। अच्छा क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? क्या होता है ऊपर से नीचे से ऊपर तक छोटे नीचे से ऊपर तक या छोटे से बड़े तक? बड़े तक हाँ, तो असेंडिंग होता है छोटे से बड़े तक और डिसेंडिंग होता है छोटे से बड़े बड़े से छोटे तक। ठीक है, तो अभी अभी मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला या मेरे दुकान के मालिक ने बोला कि मुझे इसको छोटे से बड़े बड़े से छोटे तक इसको दिखाओ कि मुझे ये पहले ही पता लग जाए कि कौन सी ऐसी तारीखें थी जहाँ पे मेरे पास सबसे ज्यादा मेरा टोटल आया था। तो उसको बोलते हैं कि हम डेटा सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्ट होता है SORT। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे सारा। ठीक है, ये मैंने सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा में और मैं इसको यहाँ पे सॉर्ट करूंगा। ये देख रहे हो सॉर्ट लिखा हुआ है। भैया। तो मैंने जब सॉर्ट पे क्लिक करा तो उसने मुझे पूछा कि अब आपको किस किस कॉलम के बिहाफ पे उसको सॉर्ट करना है। मान लो मेरे को सॉर्ट करना था कि टोटल वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है, जिस लाइन में टोटल वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ऊपर आए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे ही करना है ना हमको। तो मैं सॉर्ट बाय में जाके कि किस कॉलम से सॉर्ट करना है उसमें मैं टोटल सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और वो मेरे को पूछ रहा है कि स्मॉल से लार्ज करना है या लार्ज से स्मॉल करना है। तो हमको लार्ज से स्मॉल करना है तो मैं लार्ज से स्मॉल के लिए सिलेक्ट कर लूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो अभी तुम देख रहे हो अब ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आ गई और सबसे नीचे वाली सबसे छोटी वाली सबसे नीचे चली गई। ये लगा पता? यस भैया तुमको दिख तो रहा है ना बेटा? यहाँ बड़ा करूँ थोड़ा, ज्यादा बड़ा हो गया।
अब दिख रहा है अच्छे से? तो ये समझ आया कि क्या क्या करा है हमने? शॉर्ट तो मैं अभी इसको अंडू कर देता हूं। अभी तुम मेरे को बताओ, मुझे सॉर्ट करना है कि जिस दिन में मेरी चीजें सबसे ज्यादा बिकी थी, मुझे उस बिहाफ पे सॉर्ट करना है। तो बताओ मैं क्या करूंगा, मेरे को स्टेप्स बताओ। कौन बताएगा? भैया, पहले सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, कर लेते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट में शॉर्ट पे जाके कहाँ पे है सॉर्ट? मेरे को नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे डेस्क हाँ, नहीं दिख रहा मेरे को। सर, डाटा पे अच्छा ठीक है, क्लिक कर लिया। अब क्या करना है मेरे को? शॉर्ट बाय पे जाना है। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है? आइटम आइटम कॉस्ट आइटम करना है? अच्छा, आइटम आइटम कैसे करेंगे? ठीक भैया यूनिट करना है। है, बहुत बढ़िया। और आगे क्या करना है? ओके कर दूं? भैया लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है, फिर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। लार्जेस्ट से भैया स्मॉलेस्ट, करना क्या था? सबसे ज्यादा देखनी है कि मेरे को सॉर्ट करना है कि सबसे ज्यादा कब बिकी, फिर उससे कम उससे कम। तो मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करूंगा, तो ये तुम्हारा सॉर्ट हो गया। ठीक है, यस सॉर्ट समझ लग गया ना भैया, सबको? भैया तो ये फिल्टर और सॉर्ट, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना, बहुत यूज होंगे। ठीक है, अभी हम चार्ट्स देखते हैं थोड़े। चार्ट्स देखें? अच्छा बताओ, देख हम लो पॉइंट्स यूज क्यों करते हैं? क्या इजी चार्ट्स यूज क्यों करते हैं हम? करने के। और कोई रीजन? इजी तो अभी भी है मेरे पास, मेरे को पता तो लग ही रहा है इन्फॉर्मेशन का। ऐसा क्या मैं देख लूंगा चार्ट में जो मेरे को भैया याद इससे नहीं पता रहता? चलता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कह सकते हो, बट वो तो उसका रिजल्ट हो गया ना, कि तुम वो देख के ये बता पाओगे शायद कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। वो भी ये उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा चार्ट कैसा है या तुमने उसमें क्या लिया है। बट मेन प्राइमरी पर्पस क्या होता है चार्ट्स का, कि तुम अपनी इंफॉर्मेशन को ना बहुत ही छोटे तरीके में या फिर बहुत ही शॉर्ट तरीके में तुम सामने वाले को समझा सकते हो। जैसे मान लो मुझे, जैसे तुम कंपनी के मालिक हो या तुम दुकान के मालिक हो, ठीक है, मेरे को तुमको बताना है कि सर देखो, मेरे पास, मेरे को सेंट्रल में मेरे पास इतनी कमाई हुई, आप ये डेटा ले लो, आप इसमें से देख लेना कि सेंट्रल में कितनी कमाई हुई है, ईस्ट में कितनी कमाई हुई है। तो अब तुम तो कंपनी के मालिक हो, तुम तो दुकान के मालिक हो, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि तुम बैठ के अच्छा देखोगे कि अच्छा पहले सॉर्ट करोगे, अच्छा मैं देख लेता हूँ सेंट्रल में कितना है, अच्छा सेंट्रल का मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर मैं ईस्ट का टोटल कर लेता हूँ। तुम तो बिजी आदमी हो, तुम नहीं कर पाओगे ना ये। तो चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि हम ये सारा, जैसे मान लो मेरे को हर सिटी वाइज मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल निकालनी है कि बिक्री कितनी हुई, ये 43 दिनों में मेरे पास हर सिटी में मेरे को टोटल निकालना है। तो सबसे छोटा तरीका और सबसे इजी और सुंदर तरीका होता है कि हम चार्ट्स बनाते हैं। चार्ट्स में तुम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, या तुमको कुछ ग्रुप करके वैल्यूज दिखानी है, ग्रुप करके तुमको इंफॉर्मेशन दिखानी है कि मेरी इन सालों में कितनी हुई, तुम्हारे पास हर सिटी में कितनी हुई, उसके लिए कि लोगों का टाइम बचे और सामने वाले को बहुत आसानी से चीजें पता लग जाएं, इसके लिए हम चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। मान लो पहला चार्ट हमको बनाना है कि मेरे को सिटी वाइज, हर सिटी वाइज मेरे को टोटल कॉस्ट निकाल, टोटल स्पेंड निकालना है कि टोटल मेरी कितनी बिक्री हुई। बताओ कौन सा चार्ट बनाएंगे और क्या स्टेप्स हम यूज करेंगे? क्या बोलो। निकालना है भैया, क्या निकालना है? हाँ मेरे को सिटीज देख रहे हो, तुम्हें ये सिटीज समझ आ रहा है ना? तो इसमें तुम्हारे पास चार तरह की सिटीज हैं, सॉरी तीन तरह की, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है,
अब तुमको इन सिटीज के बेस पे तुमको हर सिटी में इन 43 दिनों में कितनी टोटल तुम्हारा कमाई हुई है मेरे को वो निकालना है। बताओ कैसे करेंगे, कौन सा चार्ट बनाएंगे? कोई है ऐसे गेस करो। कोई आइडिया? पूरा चलो डाटा देख, सिलेक्ट कर लेंगे भैया। ठीक है कर लेते हैं भाई, पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं चार्ट्स में जाऊं, हाँ ठीक है? चार्ट्स में मैंने तो बार चार्ट सिलेक्ट कर दें, देखते हैं क्या होगा, बट बार चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक। मैंने टोटल सिलेक्ट करा, ठीक है? अच्छा तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिटी को सिलेक्ट करूंगा और मैं टोटल को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? फिर मैं चार्ट बनाता हूँ। ये तुम्हारा चार्ट बन गया। अब देखो मैंने गलती करी एक, मैं बताता हूँ तुमने मैंने क्या गलती करी कि चार्ट क्यों नहीं बन रहा था। तुम चार्ट देख पा रहे हो? हाँ भैया यस भैया, ठीक है, इसमें तुम्हें आराम से पता लग रहा है कि तुमने वेस्ट में तुमने इतना करा। तुम यहां से भी देख सकते हो कि तुम्हारा आज तक का वेस्ट में इतनी कमाई थी, ठीक है, 2400 रुपये। ईस्ट में तुमने 6000 कमाया और सेंट्रल में तुमने सबसे ज्यादा कमाया 11000 रुपये, 11100, है ना? तो अब मैं बताता हूँ मैं गलती क्या कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा था कि मैं इस पे डायरेक्टली चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं उसको ये बोल रहा था कि मुझे सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट के लिए टोटल चाहिए, है ना? यही करना चाह रहे थे ना कि हमको सिटी वाइज टोटल निकालना था। बट तुम ये देखो कि इस डेटा में तुम्हारे पास जो ऑर्डर है चार्ट का, या सॉरी डेटा का ऑर्डर है, वो हर दिन के लिए डेटा दिया हुआ है, ना कि पूरी एक सिटी के लिए टोटल डेटा दिया हुआ है। ये बात समझे? जैसे अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो तुम देख रहे हो इसमें सेंट्रल का कितना डेटा है, हर एक लाइन पे सेंट्रल की वैल्यू है, ये दिख रहा है ना? यस भैया।
वो क्या करता है, जब तुम चार्ट बनाते हो ना और तुमने चार्ट में बोला कि तुमको वैल्यू टोटल की चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो हर हर दिन की वैल्यू उठा के चार्ट बना देगा, क्योंकि उसने तो ये वाली वैल्यूज पे चार्ट बनाना है ना। तो उसने 479 उठाया, उसने देखा अच्छा इसके सामने मंडे है या फिर ये इस दिन का डेट है, तो इसने 479 भी प्लॉट कर दिया, फिर एक और 479 प्लॉट कर दिया, फिर 190 बना दिया। बट ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेंट्रल में तो ज्यादा होगी वैल्यू, 479 तो होगी नहीं वैल्यू, 479 से ज्यादा होगी, है ना। ये समझ आया या कंफ्यूज हो गए? बताओ भाई। या नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरफ से समझाता हूँ। तो हम ये कर रहे थे कि हमको सिटी, हर एक सिटी की टोटल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तुम ये समझो, पहले तुम ये बताओ कि तुम हर सिटी की टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले ये बताओ। कोई आइडिया बता, क्या सिलेक्ट करना है बता। सिटी हाँ ठीक है, आगे। ड्रामा टोटल टोटल सिलेक्ट कर। चलो कर लिया, आगे। कब बार बना देंगे? नहीं, मेरे को चार्ट नहीं बनाना है, मेरे को बस टोटल टोटल चाहिए, हर हर सिटी का टोटल चाहिए, मेरे को डेटा ही बनाना है। मान ले यहाँ पे मैंने, भैया सिटी का नाम और टोटल लेंगे फिर, सिटी और क्या करेंगे फिर? का नाम और टोटल। अच्छा सिटी का नाम ले लिया और टोटल ले लिया, आगे क्या करूंगा? मेरे को ये वैल्यूज भरनी है कि सेंट्रल, इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं कि मेरे पास सेंट्रल आ जाए, इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं मेरे पास ईस्ट आ जाए, इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊं मेरे पास वेस्ट आ जाए, कि वेस्ट की भैया वैल्यू। फिल्टर सम कर करके उसमें फोटो। बहुत बढ़िया। है ना, तो एक एक बड़ा मेथड ये है ना कि मैं फिल्टर लगाऊंगा, फिर इसकी टोटल कैलकुलेट करूंगा और फिर उसको यहाँ पे भरूंगा, फिर ऐसे ही मैं ईस्ट के लिए करूंगा, फिर मैं वेस्ट के लिए करूंगा, है ना, यही करेंगे ना। बट ये कितना बड़ा मेथड है ये, मान लो ये तो अभी तीन सिटीज हैं इंडिया में, कितनी सिटीज हैं? अगर तुम्हारी दुकान हर सिटी में हुई हो, हर सिटी के लिए तुम कैलकुलेट करने बैठोगे तो फिर तो रात हो जाएगी ना। तो इसके लिए जब हमको बड़े डेटा से छोटे डेटा में इसको करना है, ट्रांसफर करना है या फिर इसको कन्वर्ट करना है, कि मेरे पास हर दिन का डेटा था हर सिटी के लिए, पर मुझे टोटल हर सिटी का डेटा चाहिए सिर्फ, तो उसको बोलते हैं हम पिवट टेबल। पिवट टेबल से क्या होता है कि जो मैंने अभी बात करी ना, कि तुमको अब ये तुम समझो कि तुम्हारी वैल्यू, अब तुम ये समझते हो ये तुम्हारा वैल्यू कॉलम है, क्योंकि इसमें बस तुम्हारे पास नंबर्स हैं, तो जो भी कभी नंबर वाला कॉलम होता है ना, या जिसमें किसी चीज के नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मार्क्स हो गए, पैसा कितना कमाया, सेल कितनी हुई, आदमी एक 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 कंपनी में कितने आदमी हैं, वो जो नंबर होगा ना हमेशा हम उसको बोलते हैं वैल्यू। और जो तुम्हारी चीज होगी या जिसकी वो वैल्यू होगी, जैसे कि ऑर्डर डेट, जो तुम्हारी नॉन नंबर वैल्यूज होती हैं, कि कोई चीज हो गई वो, कि तुम्हारी डेट हो गई या फिर सिटी हो गई, हम उसको हमेशा डायमेंशन बोलते हैं, कि वो तुम्हारी डायमेंशन होएगी, ठीक है। अभी अगर नहीं भी समझ आ रही है तो कोई नहीं, बस ये तुम्हें बता रहा हूँ, आगे जाके बहुत काम आएगा। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा था कि तुम्हें अगर हर सिटी वाइज कैलकुलेट करनी है, या फिर तुम्हें हर आदमी वाइज कैलकुलेट करनी है, या फिर तुम्हें हर आइटम वाइज टोटल कैलकुलेट करना है, या कुछ भी लगाना है, तो तुम एक पिवट टेबल बना सकते हो। पिवट टेबल से क्या होता है कि तुम्हारा ये बड़ा डेटा बहुत छोटे डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा और वो टोटल करके तुम्हें दे देगा। तो मैं बताता हूँ वो कैसे लगता है। मैं पहले क्या करूंगा, मैं अपना पूरा सारा डेटा सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फिर मैं यहाँ इंसर्ट में जाऊंगा, और यहाँ पे ये पिवट चार्ट देख रहे हो, तो मैं पिवट चार्ट पे जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा कि तुमको नई नई शीट में बनाना है या फिर
इसी शीट में बनाना है, तो अभी के लिए हम नई शीट पे बना लेते हैं, तो मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास ये अजीब सा दिखने वाला कुछ एक शीट खुल जाएगी। तो मैं तो तुम्हें तुम देख रहे हो कि इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है यार, मैंने मेरे को तो टोटल चाहिए था। तो अब उसने तुम्हारे पास तुम्हें ना एक ऑप्शन दी है कि तुमको किस बेस पे टोटल डेटा चाहिए। तो मान लो अभी मेरे को क्या था, मेरे को सिटी लेवल पे टोटल डेटा चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिटी को पकड़ूंगा, सिटी को मैंने क्लिक करा और मैं सिटी को ले गया रोज के अंदर, मैंने इसको रोज के अंदर फेंक दिया, ठीक है? तो तुम यहां देख रहे हो तुम्हारे पास 3 रोज आ गई, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट की, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए था कि सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट में टोटल मेरी कितनी कमाई हुई है। तो मैं ये टोटल वाला कॉलम पकड़ूंगा और इसको मैं वैल्यूज के अंदर फेंक दूंगा और मैं इसको सम ऑफ वैल्यूज कर दूंगा। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा ये डेटा इस डेटा में बदल गया जिसमें तुम्हारे पास हर सिटी की टोटल कमाई आ रही है। हाँ भैया, समझ आया? नहीं आया तो चाहे 10 बार पूछ लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूरी जिंदगी काम आएगा ये। भैया एक बार और वो कहाँ से समझा निकाल रहे थे, जो वैल्यू निकालनी थी? दो। क्या नहीं समझ आया तेरे को? स्टार्टिंग से कराऊं या ये पिवट नहीं, टेबल वो कैसे बना है, कहाँ या से ये क्या निकाला है, ये सब क्या है, वो बताऊं? आपने? जो साइड में आ रखा है वो कहाँ से निकाला है आपने सारा? देख, हम यहाँ गए, हमने जिस डेटा पे मेरे को टोटल निकालना है, फिर मेरे को जिस डेटा में सिटी वाइज या आइटम वाइज निकालना है, मैं उसको पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके यहाँ पे पिवट चार्ट करके ये तुम्हारे पास आएगा एक ये। तो तुम पिवट चार्ट को सिलेक्ट करो और तुम्हारे पास, और तुमसे पूछेगा कि तुम्हें नई वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। एग्जिस्टिंग का मतलब कि इसी के साथ बनाना है या मैं अलग बनाऊं। तो मान लो अभी के लिए मैं अलग बना लेता हूं, तो मैं ओके कर दूंगा, ठीक है? तो तुम्हारा ऐसा दिखने वाला एक एक फील्ड खुल हाँ गया, भैया, तुम्हारी एक शीट खुल तुम्हारा गई, ठीक है? फिर अब मैं आपको बोलूं कि हमने पहले सिटी वाइज बनाया था, अब मैं आपको बोलूं कि नहीं यार मेरे को ना कौन सी जो जो आइटमें मेरी आज तक बिकी हैं या जो जो चीजें मैंने बेची हैं उसमें टोटल मेरे को कितनी कमाई हुई है, मुझे वो देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले हमने सिटी वाला कॉलम उठाया था, अब मैं आइटम वाला कॉलम उठा लेता हूँ। मैंने आइटम वाला कॉलम उठा के इसको मैं इसमें एक्सेस में मैंने डाल दिया, ठीक है? अब तुम देख रहे हो ये तुम्हारे पास पूरी जितनी भी तुम्हारे पास आइटम्स थी उस टेबल में, जितनी भी तुम्हारे पास आइटम्स थी वो सारी यहाँ पे आ गई। अब मेरे को उन आइटम्स पे टोटल कमाई देखनी है कि मेरी टोटल कमाई कितनी हुई थी। तो मैं ये टोटल वाला कॉलम उठाऊंगा और इसको मैं वैल्यूज में डाल दूंगा। तो तुम्हारे पास हर दिन, सॉरी, इस पूरे टोटल दिनों में हर एक आइटम पे जितना भी टोटल कमाई हुई थी उसकी वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? और तुम्हारा चार्ट भी बन गया। आगे। तो चार्ट से हमें ये पता लग रहा है, अब मैं इसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। मैं इसको मान लो मैं इसको सॉर्ट कर लिया, तो मेरे को पता लग गया कि मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज थी वो मेरी बाइंडर थी, उसके बाद मेरे पेन सेट सबसे ज्यादा बिके हैं, फिर मेरी पेंसिल बिकी है, फिर मेरे पेन बिके हैं, और सबसे कम मेरे डेस्क बिके हैं। और तुम्हें ये चार्ट से भी पता लग गया। तो ये देख रहे हो तुमने इस डेटा में से कितनी आसानी से तुमने ये चीज बना ली कि तुमको पता लग गया 1 सेकंड में कि तुम्हारी सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम कौन सी थी। अब मान लो तुम्हारे पास पिवट चार्ट नहीं होता तो तुम क्या करते, तुम पहले आइटम पे जाते, हर एक आइटम सिलेक्ट करते, बाइंडर सिलेक्ट करते, यहाँ पे बाइंडर लिखते, फिर तुम यहाँ पे सम लगाते, तुम ये सारी चीजें इस सारे को सिलेक्ट करते, फिर तुम्हें पता लगता अच्छा बाइंडर ये है, फिर तुम इसी इसी तरह फिर तुम डेस्क सिलेक्ट करते, फिर तुम डेस्क डेस्क के लिए कैलकुलेट करते। तो देख रहे हो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कितना टाइम लगता तुमको। वही चीज हमने कितनी आसानी से 1 सेकंड में यहाँ पे डिस्प्ले करा दी कि तुम हर आइटम वाइज तुम हर एक कितनी उसमें टोटल कमाई हुई वो तुम देख पा रहे हो। समझ आया उसमें कुछ? थोड़ा भी हाँ समझ भैया, आया? यस भैया, हाँ भैया समझ आ गया। कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये सबसे मतलब एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हो तुम कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, कोई और डाउट इसमें अभी के लिए? और हम लोग जैसे वैसे कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे एक टर्म यूज होता है यूजर फ्रेंडली, कि हर चीज जो हम यूज करते हैं वो आप कुछ भी मतलब अपना थोड़ा सा देखोगे, जैसे इसमें इंसर्ट कुछ करना है, या हर चीज अपने आप आपको समझ आ रही है कि क्या चीज का क्या काम होगा, और थोड़ा सा सर्च करके आप अपने आप हर चीज निकाल सकते हो, जैसे व्हाट्सएप भी है, या मतलब कुछ ऐसा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब इन सब चीजों का मैं ये बोल रहा था कि सब चीजें बहुत यूजफुल है, और आप आराम से अपने आप भी खुद देख सकते हो बहुत सारी चीजें कि कैसे करनी है। तो तुम्हें एक्सेल का एक्सेल जब लोगों ने बनाया था, या फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया था, या फिर एक्सेल यूज इसीलिए होता है कि क्योंकि तुम्हारे पास जो डेटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, कि तुम्हारे पास जब तुमने दुकान का डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया, या फिर तुमने किसी भी चीज़ का, तुमने स्कूल के मार्क्स, हर एक बच्चे के मार्क्स ले लिए, या तुम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तुमने कुछ भी डेटा ले लिया। अब ये डेटा देखने में चाहे आसान लग रहा है, बट इसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे तुम? इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है डेटा में से, कि तुमको उस डेटा में से कुछ मीनिंगफुल, या कुछ, जैसे हम अभी किसी ने आंसर दिया था कि हम चार्ट्स इसलिए बनाते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस देख सके, तो वो सब चीज़ें जब हमको अपने डेटा से देखनी होती हैं बहुत आसानी से, और लोगों को दिखानी होती हैं, कि लोगों को भी ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े पढ़ने में, या फिर देखने में कि अच्छा मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हम ये सब चीज़ें यूज करते हैं, इसीलिए हम ये चार्ट्स बनाते हैं या हम पिवट टेबल्स बनाते हैं, कि लोगों को बहुत आसानी से उस डेटा में क्या चल रहा है, या कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कितनी मेरी लॉस हो रही है, वो निकालने के लिए हम बहुत आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा यूज़ है एक्सेल का, ठीक है? और इसमें सिर्फ तुम दो, ये पिवट टेबल है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही एफिशिएंट होता है। इसमें तुम और भी चीजें कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे आइटम्स तो मैंने देख ली, अब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे देखना है कि हर सिटी में कितनी टोटल आइटम्स थी, और हर सिटी में हर एक आइटम के लिए कितनी बिक्री हुई। समझ आया मेरा क्वेश्चन? किसी को अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बताओ। कितना पैसे के साथ बिका? नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तो हमने देख लिया ना कि मेरी जो मान लो बाइंडर है, या मान लो पेन सेट है, ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि मेरी पेन सेट की पूरी कमाई हुई है 4100 रुपए, है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पेन सेट की मेरी टोटल कमाई इतनी है। अब तुम ये देखो, इस 4100 रुपये में मेरे पास हर सिटी का डेटा इंक्लूडेड है, कि सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, टोटल मिला के मेरा 4100 बना है ना? अब मैंने मैंने आपसे ये पूछा है कि मेरे को ये देखना है कि हर सिटी वाइज पेंसिल सेट कितनी कमाई हुई है, मेरे को हर सिटी पे देखनी है, ये मेरे को सेंट्रल हाँ में भी हाँ मैंने भी देखना तो भैया यही कहा था। है। अच्छा सॉरी, है मैंने सुना नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना, तुमने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है, तुमको सिर्फ सिटी उठाना है और ऐड करता सिटी, है। हाँ, रोज में ऐड करना है। तो तुम देख रहे हो कितना अच्छा तुम्हारे पास एक टेबल बन गया, जिसमें तुम्हें अब पता लग रहा है कि सेंट्रल में तुम्हारी टोटल कमाई कितनी थी। अच्छा भाई, 11,000 थी, ठीक है, उसमें से तुम्हारे पेन सेट कितने थे, अच्छा 2,221 रुपए के तुम्हारे पेन सेट थे। फिर तुम्हारे पास ईस्ट की डेटा आ गया कि अच्छा ईस्ट में पेन सेट इतने बिके, 1748 के बिके, वेस्ट में मेरे पास पेन सेट बिके ही नहीं, पेन सेट मेरे बिके ही नहीं कोई। तो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारे पास पेन सेट कहाँ कहाँ थे और कितने कितने बिके, है ना? ये पता लगा, इसमें कोई डाउट? नो भैया, नहीं भैया, और तुम्हारा चार्ट भी उसी तरह बन गया, ये तुम्हें सेंट्रल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तुम्हें ईस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तुम्हें वेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब तुम्हें पता लग गया सबसे ज्यादा, मेरे को अगर सिर्फ आइटम देखनी है, मैं आइटम इसमें से फिल्टर कर सकता हूँ, मेरे को पेन सेट देखने है सिर्फ, तो तुम्हें पता लग गया कि पेन सेट सिर्फ दो सिटीज में बिके थे, एक मेरे सेंट्रल में बिके थे और एक मेरे ईस्ट में बिके थे, बट मेरे सबसे ज्यादा बिके हैं सेंट्रल में। तो तुम देख रहे हो कितने आसानी से तुम कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन तुम एक-एक सेकंड में लेके आ रहे हो, है ना?
अभी तक कोई डाउट आगे करना है या इंटरेस्ट बन रहा है, मजा आ रहा है या फिर बोरिंग है? भैया बोरिंग तो नहीं है। अच्छा प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझ आ रही है ना, कि मतलब ये असली लेवल पे भी आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, मतलब ये कुछ ऐसे ही नियम कर रहे हैं। मुस्ताक कुछ क्या कहते हैं, आशीष हो गया, आशीष और यूसुफ तो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुस्ताक कृष्णा और शिवम आप लोगों को भी आ रहा है ना समझ? हाँ भैया आ रहा है समझ। ठीक है ठीक है, ठीक है तो आगे करना है या फिर अभी डापक करें? बताओ इन्हीं से पूछ लो कुछ और करने का। इसके आगे भी अभी वैसे बहुत मतलब एक्सेल ना बहुत ज्यादा सिलेबस कह सकते हो उसका, बट सारा तो नहीं कवर करेंगे हम, बट जो जो मेन है वो तुमको बताएंगे, जो तुम्हें बहुत काम आएगा आगे जाके या फिर जो तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम बाकियों से ज्यादा मतलब तुमको पता होगा, तुम्हें पता होगा कि तुमको क्या करना है या फिर तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। अब एक्सेल बताओ जैसे एक तो ये हो गया कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तब तो यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे जब हम पढ़ाई भी करते हैं या कुछ, जैसे हमारे को कोई असाइनमेंट मिला जिसमें बहुत सारा डेटा है, तो अगर हमारे को कभी चेक करना अपना ग्राफ वगैरह बनाने हैं, तो हम वो एक्सेल पे सारा डेटा, हम लोग तो गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। तो आप मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं यूज कर सकते एक्सेल का, अभी कुछ काम नहीं है, अभी भी बहुत कुछ तरीके से यूज कर सकते हो। कुछ जब ग्राफ वगैरह बनाने को देते हैं ना स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह में, 11th 12th में शायद आप लोग करोगे, तो वो आप इससे बहुत कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे डेटा होते हैं, वो सब इस पे बहुत आराम से आप चेक कर सकते हो, अपना ग्राफ वगैरह बना के अपना चेक कर सकते हो, तो वो सब चीजें कर सकते हो, हर टाइम पे यूज है मतलब। मुस्तक ने पूछा था पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट, पहले ये बताओ पाई चार्ट तुम यूज क्यों करते हो? पाई चार्ट किस चीज के लिए यूज होता है कोई बताएगा? ज्यादा इजियर एंड सिंपलेस्ट वे। वो तो चार्ट के लिए हो गया ना कि तुम चार्ट इसके लिए बनाते हो, बट तुम स्पेसिफिक पाई चार्ट क्यों बनाना चाह रहे हो? ऐसे ही मजे के लिए अच्छा लगता है गोल गोल या फिर कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है या कुछ वो ऐसी चीजें बताता है जो बाकी चार्ट नहीं बता पाते? गोल गोल मजा आता ठीक है, जहां दिखने में इतना तो लगता है, बट उसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है मैं बताता हूँ। तो मैंने चार्ट बनाने के लिए क्या करा, मेरे पास डेटा था, मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैं चार्ट में गया और मैंने सॉरी पाई चार्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ये बढ़िया लग रहा है कि ये बढ़िया लग रहा है या ये बढ़िया लग रहा है? चलो या कोई सा भी ले लो। हाँ ये ले लेते हैं, कौन सा ठीक है। ठीक है भैया, चलो ये ले लेते हैं ठीक है। अब तुम देख रहे हो, अच्छा है, मेरे को ये एक चीज बताओ जो सबसे पहले बताएगा प्राइस, चलो देखेंगे प्राइस भी मिलेगा, ये बताओ सबसे पहले बताएगा जो भी कोई, इसमें और इसमें क्या फर्क है? भैया नहीं उसके अलावा इंफॉर्मेशन वाइज बताओ मेरे को, अच्छा तो चलो दिख रहा है, अच्छा दिख भैया पाई चार्ट में 100 में से कितना रहा है। हाँ हुआ है वो बताया हुआ है। हाँ मुझे दिखा कितना परसेंट सेंट्रल में गया, कितना परसेंट वेस्ट में गया, कितना परसेंट। बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत सही आंसर दिया है, यही एक मेन डिफरेंस होता है। हम इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा रेशो कितना था, या कितनी सेग्रीगेशन हुई है, या वही कि तुम्हारा कितने परसेंट डेटा किस सिटी में गया था। इसमें तो तुमको वैल्यूज पता लग गई कि हाँ अच्छा मेरी 11,000 सेंट्रल में थी, ये मेरे पास ईस्ट में थी, 6,000 ईस्ट में थी, और कुछ 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास वेस्ट में हुआ। बट अगर आपको ये देखना है कि आपका टोटल में से, टोटल कमाई में से कौन सा ऐसा सिटी है या कौन सा ऐसा सेगमेंट है या क्लास है जो सबसे ज्यादा कमा रही है, या जिसका सेगमेंटेशन या एरिया सबसे ज्यादा है, उसके लिए हम हमेशा पाई चार्ट यूज करते हैं। ठीक है तो बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने, सही है बिल्कुल। तो कभी कभी हमको ये तो देखना ही है कि
सेंट्रल ने कितना कमाया, ईस्ट ने कितना कमाया, वेस्ट ने कितना कमाया, बट हमें कभी कभी ये भी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी चाहिए होती है कि कौन सी सिटी है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है या कौन सी सिटी है जो सबसे कम परफॉर्म कर रही है, तो उसको आसानी से देखने के लिए अब इससे नहीं पता लग रहा मुझे, बट इससे मेरे को मतलब ये तो पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसने कमाया, बट मेरे को परसेंटेज नहीं पता लग रही कि कितना परसेंट डेटा सेंट्रल का था या कितना परसेंट कमाई सेंट्रल की थी, बट इससे मेरे को कितने आसानी से पता लग रहा है कि 57% मेरी जो कमाई हुई है आज तक की, उसमें 57% योगदान सेंट्रल का है, 30% ईस्ट का है और 13% मेरा वेस्ट का है ना? इसमें कोई डाउट या इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया, कंफ्यूजन नहीं नहीं। भैया, समझ आ गया ये हाँ जो कुछ भैया, पता, तो ये अब पता लगा कि सुंदर के अलावा और क्या फंक्शन है इसका चार्ट का। हाँ हाँ भैया, हर चार्ट का, जितने भी तुमको चार्ट दिखते हैं ना, हर चार्ट का कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई उसकी अलग इंफॉर्मेशन है जो तुमको चाहिए, चाहे वो तुमको, चाहे तुम कॉलम टोटली यूज कर रहे हो, चाहे तुम निकाल यही रहे हो कि कमाई कितनी हुई है, बट उसको अलग अलग तरीके से समझाने की या उसमें से अलग अलग चीजें निकालने के लिए तुम अलग अलग चार्ट यूज करते हो, इसीलिए तुम्हारे पास इतने सारे चार्ट दिए हुए हैं। सिर्फ सुंदर एक आस्पेक्ट नहीं है, बाकी तुम्हें हर इंफॉर्मेशन में क्या तुमको चाहिए वो निकालने के लिए तुमको अलग अलग चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ठीक समझ है आया? भैया। हाँ अब भैया, एक एक लास्ट चार्ट कर लेते हैं। तीन चार्ट है जो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया पाई चार्ट, इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। हम एक अब एक करते हैं लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है, किसी को पता है? नहीं भैया। अच्छा, तो लाइन चार्ट क्या होता है या क्यों यूज होता है? मान लो कि तुमको देखना है कि तुम्हारी हर दिन पे परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे यहां पे तो तुम्हें नंबर्स पता लग रहे हैं, मैं तुम पहले मैं बनाता हूँ फिर तुमको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या शो करता है। हाँ भैया, तो तुम समझ देख रहे हो, गया। एक सेकेंड, भैया ट्रेंड है जैसे बना रहे हो क्या? हाँ, बिल्कुल। जो जब हम किसी भी चीज का ट्रेंड निकालते हैं ना, तो हम ट्रेंड देखने के लिए तो ये देख रहे हो, तुम्हें अब हर महीने का ट्रेंड पता लग रहा है कि हर महीने में जो मेरी कमाई हुई थी उसमें कैसा ट्रेंड था, कब मेरी कमाई एज कंपेयर टू एवरेज ज्यादा हो गई, कब मेरी कम हो गई, कब मेरी नॉर्मल रही या फिर कांस्टेंट रही। तो जब भी तुमको किसी तरह का ट्रेंड या फिर तुमको कोई फोरकास्ट या फिर तुमको कोई पैटर्न देखना होता है किसी भी चीज में या किसी भी वैल्यू में, तो हम उसके लिए हमेशा लाइन चार्ट यूज करते हैं। अब तुम देख रहे हो, तुमको यहाँ पे कितनी आसानी से पता लग रहा है कि दिसंबर में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा डेटा था और अक्टूबर के बाद मेरे पास नवंबर में सबसे कम कमाई हुई, मतलब अक्टूबर के कंपैरेटिवली नवंबर में मेरी कमाई नीचे चली गई, सितंबर में भी नीचे गई थी है, और जुलाई में मेरी बहुत कमाई हुई थी, ठीक है, और मार्च में भी मेरी मेरी बड़ी कम कमाई हुई है, आज तक की सबसे कम कमाई मेरी मार्च की है ना? तो जब ये सब हमको जब ट्रेंड देखने होते हैं कि आज तक ओवरऑल पर डे पर मंथ पर वीक मेरी क्या परफॉर्मेंस रही है या क्या ट्रेंड रहा है, हम उसके लिए हमेशा लाइन चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ सर, यस भैया। तो ये तीन चार्ट हैं जो काफी यूज होते हैं और काफी अच्छे भी लगते हैं मेरे को बहुत। इसमें से तुम इन तीन चार्ट यूज करके तुम इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो ना किसी भी डेटा में से, कि तुम बहुत यूजफुल चीजें कर सकते हो इसके लिए। मतलब ये कंपनीज या जो भी जितने भी ऑफिस हैं या जो कंपनीज हैं, ये डेटा के बेस पे ही तो चल रही हैं या डेटा के बेस पे ही तो परफॉर्मेंस हमेशा इवेल्युएट होती है
कि तुम्हारी कंपनी बोलते हैं कि आज अच्छा तो हमारी कंपनी घाटे में चलेगी, हमारा कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो वो सब इस डेटा के उन कंपनी के डेटा के बेस पे ही सब कैलकुलेट होता है। कभी भी कोई ऐसे ही नहीं बोल देता कि अच्छा मेरे को लग रहा है कि आज इस साल बहुत कमाई हुई है, उसके पीछे ये पूरा बहुत महीनों का पूरा एनालिसिस होता है, पूरी ऐसे ही वो कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारे उनके पास एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं कि अच्छा डेटा में मेरे को ये बोल रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इस साल का काम बहुत कम हुआ या इस साल का काम बहुत ज्यादा हुआ। तो हमेशा प्रूफ बेस्ड एविडेंस होता है, प्रूफ बेस्ड एनालिसिस, हम इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, कि किसी भी डेटा का या किसी भी चीज का या किसी भी दुकान का, किसी भी कंपनी का या किसी भी डिपार्टमेंट का, जब हम एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हम ये सब करते हैं कि हम देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या रहा, टोटल कितना हुआ, परसेंटेज शेयर कितना था, और भी बहुत चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि तुम क्या देखना चाह रहे हो। उस वो जब वो सब जब चीजें हम जो करते हैं उसके लिए हम ये एक्सेल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ भैया समझ आ गया। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर बोरिंग है? तो इंटरेस्टिंग है भैया। वो तो नहीं क्या कोई? ठीक है, तो तुम भी अभी कभी तुम बैठो कंप्यूटर पे या कंप्यूटर मिले तो खुद एक बार ट्राई करना, तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए होगी, तुमको अगर ये डेटा चाहिए होएगा तो मेरे को बताना, मैं तुमको भेज दूंगा। तो तुम अपने अपने लेवल पे तुमको जो भी लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस डेटा में से क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है वो तुम बनाओ, और कभी टाइम मिले तो बताना, मेरे को भेजना, भी हम डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, और करना आ गया फिर करे अभी खत्म? करते हैं 1.5 घंटे ही बोला था उन्होंने, वैसे भी वहाँ हो गया। ठीक है, बाकी कल कल देखते हैं, कल कल के लिए भी देख लेना, कल के सैटरडे लिए फिर नहीं। क्या करना है? अब एक्सेल ज्यादा करना है। आप क्या सैटरडे आ सकते हो ना मोस्टली नहीं मैं आ जाऊंगा कल आपका? भी। नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि एक्सेल कल तो कल रिपीट ही। ठीक है, मतलब वही मैं सोच रहा था कि सब कुछ 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 पार्ट्स हर का, क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा करवाने का भी कितना, मतलब देख लो कैसे। पीपीटी कर लेंगे कल या कुछ और। पीपीटी ठीक है। ठीक स्क्रीनशॉट ले लिया? है, छोड़ो प्रेजेंट करना बंद कर एक दो, बार अपना हैंग होता है मेरा। कैमरा ऑन कर लो यार, 1 सेकंड के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना होता है। 2 मिनट के लिए जैसे पिछली बार किया था, एक बार कर लो फिर बंद कर लेना बस, जो जो कर सकता है। आशीष मुस्ताक यूसुफ एक बार कर लो। ले लो जैसे भी, ठीक। हाँ ले लिया। चलो ठीक है, चलो कल यार फिर कर लो। पीपीटी करना है ना? कल फिर तुम लोगों को ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सुना हुआ है, यूज किया है कभी? हाँ भैया यू प्रेजेंटेशन यस, आते हैं। बनाते हैं स्कूल में। नहीं भैया कहीं पे बना सकते हैं, मैं नहीं किसी नहीं मतलब आपने टॉपिक कहाँ के बारे बनाई है में वो, या तुमने किसी कंपनी के बारे में। आपने बना रखी है कभी? मैंने भी आज आपसे सीखा था, वहीं पर बनाई थी प्रेजेंटेशन। मतलब आता है बेसिक ना, सबने यूज कर रखा है ना? हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते ओके हैं। भैया, आप ओके ओके, बाय आप लोग बाय लीव बाय। कर, बाय बाय।